हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म कॉन्क्रीट कावबॉय के रिव्यू के बारे में। कॉन्क्रीट कावबॉय ये एक वेस्टर्न ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है रिकी स्टॉब ने, और ये फिल्म बेस है गेटो कावबॉय नाम की एक बुक पर जिसे लिखा है ग्रेगोरी नेरी ने। वहीं फिल्म की कास्ट में है एक्टर एड्रिस एल्बा, कैलेब मैकलाफ्लिन, मेथड मैन एंड लॉरेन टोसेंट। कहानी फोकस करती है कोल के कैरेक्टर पर, जिसकी बुरी आदतों के चलते उसकी माँ उसे फिलाडेल्फिया भेज देती है उसके स्ट्रेंजेड फादर हाफ के पास। जिसके बाद फिल्म में आगे क्या कुछ होता है वही सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा, जिसका नाम है कॉन्क्रीट कावबॉय। तो फ्रेंड्स, ये फिल्म पेस है फ्लेचर स्ट्रीट अर्बन राइडिंग क्लब पर, यानी एक तरह की कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के लोग किस तरह से रहते हैं, घोड़ों के साथ उनका लगाव और उनकी सवारी करना और उनकी केयर करना, ये सब हमें ये फिल्म दिखाती है, और वो भी बहुत नहीं बल्कि काफी खूबसूरती के साथ, जिसे देखते वक्त हम फिल्म में पूरी तरह से खो जाते हैं और इनके बारे में और भी जानना चाहते हैं, जो कि ये फिल्म प्रेजेंट भी करती है, जिसके चलते फिल्म से हम पूरी तरह से कनेक्ट रहते हैं, जिसका एक रीजन फिल्म का काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट भी है, क्योंकि ये फिल्म इसके अलावा कोल और उसके फादर हाफ के रिलेशनशिप पर भी फोकस करती है, जिसे धीरे धीरे फिल्म में काफी अच्छे से बिल्ड किया गया, जिसके चलते ये एक इंटरेस्टिंग फिल्म बनती है जिसे मैंने काफी ज्यादा इंजॉय किया। पर ये फिल्म हर टाइप की ऑडियंस के लिए नहीं है, जिसका रीजन है फिल्म का ड्रामा और स्लो बर्न होना, जिसके चलते मार्सस ऑडियंस को तो ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, पर वो ऑडियंस जो इस टाइप की ड्रामा फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो उन्हें ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। जिसके डायरेक्शन की बात करूं तो फिल्म को डायरेक्ट किया है रिकी स्टॉब ने, जिनका डायरेक्शन फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वहीं बात करूं एक्टिंग की तो यूं तो सभी की परफॉर्मेंस फिल्म में आपको पसंद आएगी, पर किसी की एक्टिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी तो वो है एक्टर कैलेब मैकलाफ्लिन, जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग के मुकाबले एक डिफरेंट रोल प्ले किया है जिसमें उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वहीं एक्टर एड्रिस एल्बा की एक्टिंग भी एज अ फादर आपको पसंद आएगी। वहीं कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी फिल्म में काफी अच्छे से की गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि फिल्म में बाप और बेटे के बीच के रिलेशनशिप को काफी अच्छे से बिल्ड किया गया है, तो वहीं ह्यूमंस और हॉर्सेस के बीच जो बॉन्ड दिखाया गया है वो भी आपको फिल्म में पसंद आएगा। वहीं बात करूं बाकी चीजों की, जैसे BGM जो फिल्म के हिसाब से अच्छा है, तो वहीं एडिटिंग भी फिल्म की काफी अच्छे से की गई है, पर कुछ लोगों के लिए फिल्म की लेंथ फिल्म का वीक पॉइंट होगी। पर बात करूं मेरी तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि मैंने इस फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय किया, तो ओवरऑल मेरी नजर में ये एक काफी अच्छी बनाई गई ड्रामा फिल्म है जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। फिल्म कॉन्क्रीट कावबॉय को मैं दूंगा 3.5 स्टार। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म दी कॉन्क्रीट कावबॉय को लेकर मेरा रिव्यू, और अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसे लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।